ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਾਲਜ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਆਪਣੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚਿਲ ਕਰਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਆਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਯਹਾਂ ਸੇ ਥੋੜਾ ਪੀਛੇ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ ਆਪਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੇੜੀ ਗੇੜੀ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕੱਲ ਨਾ ਪੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਖਾਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲ ਉਸਤਾਦ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਧੋਣੇ ਆ ਟੇਬਲ ਟੂਬਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੋਸ ਨਾਲ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੱਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆਗੇ ਸੇ ਇਤਨਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਤਨਾ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਝ क्या हुआ कीर्ति इतना स्ट्रेस क्यों लग रही हो आज मैं लेट होगी यार बहुत ज़्यादा ना फर्स्ट डे था लेट होगी बारिश थी बस भी मिस होगी रास्ते में आते वक्त मुझे वो एक ड्रगी सा बंदा था वो मेरे को मिला और वो अजीब तरीके से चल रहा था सड़क पे उससे कुछ कहा तो नहीं तुम्हें मेरे को तो कुछ नहीं कहा बट मैं बहुत डरी थी यार उसको देख के वो जिस तरीके से चल रहा था बहुत अजीब था जल्दी जल्दी भाग के मैं घर आई मैं बस जैसे जैसे घर पहुँचू अरे यार इतनी स्ट्रेस मत ले वैसे तो ये एरिया सेफ है बट फिर भी थोड़ा सा संभल के यू नेवर नो किस टाइप के इंसान मिल जाए तो टेंशन मत ले घड़ियों चेंज करा मैं चाय बनाती हूँ तब तक चल आ जा चलो बैठो चाय लेके आई मैं कोई नहीं मैं खा लेती हूँ चलो और बता तुम जॉब अप्लाई कर रही थी कोई जॉब मिली या नहीं हाँ ट्रेनिंग थी ना वो आज जहाँ मैं गई थी रेस्टोरेंट है ना वो ट्रेनिंग पे वो जग्गी का एक रेस्टोरेंट है तो सिर्फ मिली तो है एक उन्होंने ट्रेनिंग दी आज कैसा तो लगा ठीक था इनिशियल स्टेज के लिए मतलब यूज़ तो नहीं हूँ बट ठीक है फिलहाल के लिए इनिशियल स्टेज के लिए ये तो वो करना ही पड़ेगा शिफ्ट की बात करी कितनी शिफ्ट देंगे वो तुम्हें वीकली फिलहाल तो दे आर वेरी नाइस पीपल एक्चुअली तो आज ट्रेनिंग के फर्स्ट डे पे उन्होंने मुझे बोल दिया ना कि कल से आप शिफ्ट पे आ जाना तो जॉब तो फिलहाल हो गया है जॉब तो है और बताओ घर पे सब कैसे हाँ घर पे सब ठीक ठाक आपके घर पे है कौन कौन मैरिड हूँ मैं तो दो फैमिलीज हैं मेरे पास तो मैरिड लेडी हाँ नहीं नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं बस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है वो तो है लाइफ चेंजेस उसने भी आई जाना ना इवेंचुअली जैसे वीजे का प्रोसेस हो जाएगा वैसे लगाया हुआ है देखते कब तक होता है चलो सब अच्छा ही होगा खैर डिनर बनाते हैं डिनर करें सुबह उठ के जॉब पे भी जाना है चाय तो पी नहीं अभी डिनर ही करेंगे चाय पी ली तो डिनर नहीं हो पाएगा चलो चले हेलो हाँ बेटा कैसी हो नमस्ते मम्मा क्या हाल है हाँ जी मैं ठीक आप कैसे हो मैं भी ठीक और क्या कर रही है अभी बस खाना वाना खा के बैठे थे ना तो मैं असाइनमेंट देख रही थी यूनिवर्सिटी के ईमेल चेक कर रही थी कि कुछ आया तो नहीं हुआ ना ओके हाँ जी आप कैसे हो मैं भी ठीक बस रेस्ट कर रही थी पापा ठीक है सब ठीक है घर पे हाँ जी तू सुना तू बता रही थी आज जॉब का तरफ पहला दिन है कैसा गया हाँ जी मैं जॉब ठीक है मतलब मैं गई थी आज ना तो उन लोगों ने बोला है कि रख तो लिया है मुझे ना कहते आज ट्रेनिंग हुई फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि कल से आप आ जाना शिफ्ट दे देंगे ओके कोई परेशानी तो नहीं 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 मत सब ठीक है आप सब ठीक है ना घर पे यहाँ तो सब ठीक है सब ठीक है हाँ जी आज तूने कॉल नहीं करा तो मैंने सोचा मैं ही तुझे फोन कर लूं
नहीं मम्मा, वो ना मैं आज थोड़ी लेट हो गई थी आने में, फर्स्ट डे था ना, तो मेरे को रूट नहीं पता था, फिर आते वक्त ना बस छूट गई, फिर मैं थोड़ी लेट हो गई। बाकी जो मेरे साथ में दी है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने खाना वाना बना लिया था तो मैंने टाइम से खा लिया। वहाँ पे तो काफ़ी लेट हो गया होगा अभी। हाँ जी मम्मा, लेट तो हो गया है, यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। ओके चलो कोई बात नहीं, बस अपना ध्यान रखियो और अभी अपना रेस्ट करो, हम कल सुबह बात करते हैं। ओके मम्मा, बाय बाय, लव यू, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू। सब छोड़ छाड़ के वापस जाने का दिल रोज करता है, कहने का दिल करता है कि नहीं संभल रहा अकेले सब कुछ, बता दूँ सब सच कि नींद से भरी आंखों से भी आंसू निकलते हैं, अकेलापन इतना महसूस होता है कि खुद का साथ भी अच्छा नहीं लगता और अपना कोई यहाँ बैठकर बात नहीं करता, सबको सब पता है, फिर भी पैसे कमाने के लिए हर बच्चा अपना हर एहसास अपने घर ही छोड़ आता है। और कीर्ति किमें? हाँ जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक। और कब शुरू करा काम? 10 मिनट पहले। अभी करा है? हाँ 10 मिनट पहले। चलो ठीक। ओ आ गया जगी, थी रोकदा पार्किंग 1 PM। शाम दा रंग क्यों लाल तेरे रंग नाल दाए, Hi. I have a Uber order for Daniel. एक मिनट में पूछ लेती हूँ। ओके सरफ। हाँ जी यार, हाँ जी, हाय इट्स Uber order for Daniel। बैग है थोड़े को? बैग है गड्डी जा लेके आओ। चलो मैं ले आना, कोई नहीं। जेडे भी Uber driver आनी है मेन्यू लॉक, तो कोई भी driver आए डिलीवरी लैन, बिना बैग तो डिलीवरी नहीं देनी, ठीक है? जिसे कोई भी हो ध्यान रखियो। और सारा किमें चल रहा है? समझ आ रहा है सारा कुछ? इस पे ठीक है, तो हुन जेड़ी डिलीवरी देनी है बैक टू देनी है। ठीक। हां जी ऑर्डर रेडी? 5-1 मिनट लगेंगे, आप वेट कीजिए प्लीज। 5 लगेंगे ना? हां जी हां जी 5 मिनट। मैं वेट कर रहा हूं। हां ठीक है। एक्सक्यूज मी, आप नहीं आई हैं इधर? हां जी मैं कोई इसी वीक आई हूं। अच्छा सही है, मैं इधर रेगुलर Uber करता हूं, आपको फर्स्ट टाइम देखा इसलिए पूछा था। हां मतलब इसी वीक आई हूं मैं, तो अभी तो फिलहाल नहीं हूं। ठीक, सिर्फ काम ही सीख रही हूं। सही है, तो अभी आप कौन सी जॉब कर रही थे इसके अलावा? नहीं इसके अलावा तो कोई जॉब नहीं। फर्स्ट जॉब है आपकी? हाँ जी हाँ जी। ओके फर्स्ट जॉब है। आप इंडिया में कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? ओके जी। मैं भी पंजाब से हूँ, पाकिस्तान से। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। ओ ऑर्डर आ गया, कोई मसला नहीं भाजी। बाकी तुहानू तां पहले इत्थे देखिया, इन्हां ने मैनूं दस्सिया इन्हां ने नवां जॉइन कीता, पहला वीक है इन्हां दा, सेकंड डे है अज। ओके बाकी नाइस टू मीट यू। नाम की भाई तुहाडा? सरफ। आपका? कीर्ति। मैं अली, मैं अली पंजाब पाकिस्तान तो। ओके ठीक। हेलो मैम। हेलो कम इन साइड विद हिम। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, बताओ। बढ़िया, आइए प्लीज। थैंक यू। हाँ जी वो जो आपने अपनी एप्लीकेशन दी थी जॉब के लिए वो आपकी अप्रूव हो गई है, तो कंग्रेचुलेशन, आपको जॉब मिल गई। थैंक यू सो मच। और आप रेडी हो जॉब के लिए? बिल्कुल, कब से वेट कर रही थी नर्सिंग फील्ड में जॉब करने के लिए, बट अभी तो कोई जॉब भी ऑफर नहीं हुई क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब इजीली मिलती नहीं है। आफ्टर फिनिशिंग बैचलर्स दिस इज़ माय फर्स्ट नर्सिंग जॉब, तो मैं काफ़ी देर से फ्री थी, किसी और फील्ड में काम कर रही थी, बट आपने मुझे मेरी फील्ड में जॉब दी, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। ओके एकदम, ये तो देखो हमारा काम है, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करें और यही हमारा टारगेट है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं हम उनकी हेल्प करें, बिकॉज हम भी कभी स्टूडेंट आए थे तो वी कैन फील। सेंट्रल कोस्ट जो है वो एक रीजनल एरिया है, तो
जो भी यहाँ पर स्टूडेंट सिडनी से आना चाहता है आपका कोई फ्रेंड सर्कल में, उनके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा और हम लोग हेल्प करने के लिए रेडी हैं। मैं डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स को और सबको इस बारे में बताऊंगी कि अगर उन्होंने सिडनी से मूव होना है किसी रीजनल एरिया में, अपनी वीज़ा कंडीशंस पूरी करनी है, तो वो यहाँ पे आए और डेफिनेटली आपके साथ काम करें सो दैट दे कैन गेट द एक्सपोजर एज वेल। ओके एकदम, ऑल द बेस्ट फॉर योर जॉब, और आपकी जितने भी डिटेल्स हैं जॉब की वो आपको ईमेल कर दी जाएगी एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, सी यू सून, बाय। चलो कैसे जा रहे हो आप आज? हाँ बस से ही जाती हूँ मैं, रोज तो बस से ही जाऊंगी। लेट नहीं हो जाओगे? रात हो रही है वैसे भी। कोई बात नहीं, चली जाऊंगी अभी तो। कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ आज। कोई नहीं, 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 कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, मैं छोड़ देता हूँ साथ में। लेकिन आप शायद बाइक से जाते हो ना? हाँ जी, हाँ जी। तो हेलमेट चाहिए होगा? हेलमेट आई थिंक मैं एक बार ना पहले लेके आया था, एक्स्ट्रा पड़ा होगा, मैं अंदर से ले आता हूँ। कोई नहीं, चलो आप चेक कर लो अगर है तो। आप कोई ना वेट करो, मैं हेलमेट लेके आया। थैंक यू। ये लो हेलमेट, तो वहां खड़ी है भाई, ठीक है? आओ चलो। रात भी देखो कितनी हो गई है कहां, और बारिश भी हल्की हल्की होने लगी है, परेशान हो जाते। हाँ यार बारिश तो हो ही रही है। भूख नहीं लग रही आपको? नहीं, मैंने कुछ बना लेना ना घर जाके। अभी अब इस टाइम बनाओगे? क्या टाइम हो गया और अब बनाओगे, क्या फायदा? कुछ खा लेते हैं बीच में रास्ते में, देखते हैं, चलते हैं, जाएंगे थोड़ी देर बाद भी कर लेंगे और खा पी भी लेंगे। यहाँ एक अच्छे ना कैफे है, बहुत बहुत अच्छी स्वीट्स मिलती है, वो ट्राई करते हैं आज। श्योर, देखते हैं फिलहाल तो चलते हैं। चलें, बैठ गए ठीक? यह फूड ना बहुत अच्छा है, इसका ट्राई करते हैं। मैं तो करता रहता हूँ, आपने नहीं करा होगा? हाँ, मैंने नहीं करा। बाहर बैठना है? नहीं नहीं, बाहर ही बैठ। बाहर ठीक है ना? हाँ। मौसम भी ठीक है। और बताओ कैसे चल रहा सब कुछ? हेलमेट रख लेते हैं नीचे। हेलमेट नीचे रख देते हैं। और बताओ कैसे चल रहा सब कुछ? बस ठीक, आप बताओ कैसे चल रहा है सब? क्या खाओगे? कुछ भी ले लेते हैं लाइट सा, ज्यादा तो कुछ हैवी नहीं चाहिए मुझे। ओके, बारिश का मौसम है, चाय होगी तो अच्छा होगा। बताओ, चाय में पूछ लेता हूँ, और चाय के साथ क्या लोगे? कुछ भी चलेगा लाइट सा ना, चाय के साथ तो कुछ भी होता है। कुछ भी क्या? कुछ इनके मेन्यू देख लेते हैं, इनके पास मेन्यू में नहीं है। मेन्यू देख लेते हैं फिर करते हैं। हां मेन्यू देख लेते हैं, मैं ले आता हूं। ये लो आपकी गरम-गरम चाय ठंडे ठंडे मौसम में। थैंक यू। और समोसे करवा दिए मैंने, वो अभी आ रहे हैं। थैंक यू। चाय पियो, बताओ कैसी है? ये खुद बनाई इन्होंने, मशीन की चाय है? यहाँ तो मशीन की मिलती है। हेलो हेलो कीर्ति, हां हाय, नाम सी सरव, सरव हां याद आ गया। और किदा तुसी? ठीक भाई, तुसी दसो? मैं भी ठीक हां। और कीर्ति आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे? इतने दिन हो गए, मैं ऊबर ऑर्डर लेने आता हूं जगी पे, आप आती नहीं हो? नहीं नहीं वही तो होती हूं मैं दिन में तो। अच्छा, आपकी शिफ्ट का टाइम क्या होता है? 9 to 5 8। अच्छा, मैं 2-3 दिन पहले गया था लेकिन 6 after 6 इसलिए। और कैसे जा रही है लाइफ? बस ठीक ठाक, आपकी कैसी जा रही है? मेरी भी ठीक है। स्टडी कैसी जा रही है? बस ठीक ठाक, आपकी कैसी जा रही है? मेरी भी ठीक जा रही है। अच्छा, आप अपना नंबर दे दें मुझे। हाँ मैं लिख देती हूँ, नोट करवा लें। मैं डायल कर दिया। मैंने आपको बेल दी है, मेरा नंबर सेव कर लिया। हाँ जी, हाँ जी, आ गया। लिख लिया? सरव, और कितने दिनों बैठा है?
और चलो ठीक है फिर मिलते हैं लो जी घर आ गया आपका थैंक यू कोई नहीं एक मिनट हेलमेट ये आपका हेलमेट आप हेलमेट अपने पास रख लो कोई ना कल सुबह आप पिक करना ही है आपको तो अपने पास ही रख लेना हाँ ये भी ठीक है हाँ जी चलो ठीक है फिर मिलते हैं ओके बाय 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 एकम हेलो हेलो कैसे हो मैं ठीक 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 और कौन था वो लड़का कोई नहीं वो तो दोस्त था बस ऐसे ही ड्रॉप करने के लिए आया था हाँ दोस्त था बड़ा ब्लश कर रहे हो दोस्त के नाम पे नहीं नहीं नहीं, नहीं दोस्त था सिर्फ मैं लेट हो गई थी ना रोज ही लेट हो जाती चला गया वो तो चला गया आपकी नजर ही नहीं हट रही उसके ऊपर से नहीं नहीं यार हेलमेट भी मेरे को दे गया आपका दिन कैसा था मेरा दिन बढ़िया बस काम पे बहुत बिजी था उसी में टाइम निकल गया सारा चलो अच्छा है ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਚੱਕੇ ਕਰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯਾਰੋ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਚੱਕੇ ਕਰਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਯਾਰੋ ਕਾਹਦਾ ਪਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸਾ ਬੱਲੀਏ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸਾ ਬੱਲੀਏ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸਾ ਬੱਲੀਏ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪੜ ਕੇ ਯਾਰ ਤੇ ਬੇਲੀ ਆ ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਰੌਣਕ ਢੇਲੀ ਆ ਜੋਬ ਤੇ ਕਾਰ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ ਬਸ ਲੱਭਣੀ ਘੈਂਟ ਸਹੇਲੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਟੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸਾ ਬੱਲੀਏ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸਾ ਬੱਲੀਏ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਜਬੂਰੀਆ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਆ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਮਲਾਉਣੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸਾ ਬੱਲੀਏ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸਾ ਬੱਲੀਏ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਦ ਯਾਦ ਬੇਬੇ ਦੀ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਉਦੋਂ ਭਰ ਆਵੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਾ ਰੂਮ ਮੇਟ ਜੀ ਬਾਪੂ ਵਾਂਗੂ ਗਲ ਲਾਵੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਜੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸਾ ਬੱਲੀਏ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਪਾਉਣੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬੱਲੀਏ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਰੀਸਾ ਬੱਲੀਏ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ
की हो गया साइड पे आ गए। थोड़ा मूड जा ठीक नहीं सी मेरा। क्यों मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं बस कर दें दी याद आ रही सी भी। सारे नु आंदी है कर दें दी यार सानू भी बहुत आंदी। जा रहे ने सारे तुसी आना चलो।